इतना सा वो रोड है। अपने उस रोड के अंदर मुझे टोटल वो 6 किलोमीटर की वॉक है, 3-4 किलोमीटर तो मैंने कर लिए थे गाड़ी में कंटेनर के ऊपर। उसके बाद मैं चला हूं, मैंने आखिरी 2.5 किलोमीटर वहां की रश, गाड़ी में रश वजह से मुझे उस पर 1.25 घंटा लगा है, क्योंकि गाड़ियां और आवाम इतनी थी कि रास्ता ही नहीं सब इस पे। फिर पिंडी में जाना था बुरहान पे, उसे पहले अटक पे, फिर पत्थरगढ़ पे, जो इन्होंने बदतरीन शैली, जो बर्बरियत और जो जुल्म किया है वो भी सबको पता है। हम नहीं पहुंच सके, हमारा इधर एहतजाज था, हमने वहीं पे किया, वापस आ गए। अब यहां पर, अब यहां हुआ क्या है पता है आपको? मजा आया, मजा आया इनको। ये सोच रहे थे कि नहीं जा सकते ना, इनके पास ताकत है, हमारी दी हुई ताकत है, हमारे टैक्स के पैसे की दी हुई ताकत है। पहुंचे हैं और वहीं पे डी चौक पे पहुंचे हैं जहां का कहा था। स्पीकर साहब आप साथ थे, हमें रास्ते में 1-1 किलोमीटर रोड के ऊपर ऐसे ट्राले और ऐसे कंटेनर भरे हुए, इतने बड़े बड़े खड्डे, उसके बाद हजारों शेल। फिर क्या हुआ? अल्लाह अल हक है, मंजिल तक पहुंच गए, इनको समझ नहीं, हालांकि पहुंचने के बाद, क्योंकि हमारा धरना नहीं था, एहतजाज था, पहुंचने के बाद हमने 2.5-3 घंटे के बाद हमने फैसला किया कि चौके बिल्कुल फ्रंट पे आ चुके हैं और बहुत करीब से लड़ाई शुरू हो चुकी है, अल्लाह ना कर नुकसान ना हो जाए। हमने फिर भी सोचा, पहले 7 छोड़े थे, वीडियो थी, इस बार 17 छोड़े हैं। हालांकि मैंने कहा था कि पंजाब पुलिस को मैं इस बार नहीं छोड़ूंगा वापस, लेकिन जो मैं बार बार कहता हूं ना, इस्लाह कहने से नहीं, अमल से। इस बार 17 छोड़े, वीडियो क्या आ जाएंगे, अभी डाउनलोड हो रही है, फिर भी छोड़ दीजिए। बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, इस्तेमाल करने वाले क्यों नहीं सोच रहे, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने फिर भी छोड़ दिया। अब वहां से हमने कहा के पी हाउस जाते हैं, लोग 2.5 दिनों के थके हुए थे और चाय पीते हैं, और चाय पी के फिर इमरान खान से मुलाकात होगी, तो इमरान खान जो लायमल देगा उस पर अमल करेंगे। सर जैसे ही मैं पहुंचा वहां पर, मैंने बंदों को सिर्फ बात की और बिठाया वहां पर, सर IG इस्लामाबाद विद रेंजर्स, और पहले से कंटेनर लगा चुका था हमारे गेटों पे, ये है कौन? केपी हाउस हमारी इस सूबे की पख्तूनख्वा की मलकियत है, अगर यहां बैठे हुए लोग इस बात पे खड़े नहीं होते ना, फिर जाओ पख्तूनख्वा के बजाय कोई सिंह चला जाए लीडर के पास, कोई पंजाब चला जाए लीडर के पास, यहां मत बैठो। तुम्हें अपने सूबे पे गैरत नहीं है, तुम्हें अपने सूबे पे गैरत नहीं है, अपने सूबे की आवाम पे जुल्म होता है, तुम्हारी पार्टियां करती हैं, तुम्हें उस पे गैरत नहीं है, किस बात पे गैरत खाओगे? कि बस हमेशा फॉर्म 45 में बन के आ जाओगे? अगर फॉर्म 45 पे भी सोच रहे तुम आ गए, फिर भी तुम्हारी कुर्सी का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हारी सोच ही है कि तुम्हारे लोगों पर जुल्म हो, उनके घरों में छापे लगे, उनकी माओ बहनों की इज्जत के ऊपर चादर चारदीवारी पर माल की जाए, तुम कहो कि चलो ये कमजोर होगा मैं जी जाऊंगा। लाना थे ऐसी चीज पे, लाना थे ऐसी कुर्सी पे, लाना थे ऐसी पार्लियामेंटेरियन बनने पे, कि आप अपना सारा कुछ तबाह करके लोगों का आप कहेंगे मैं जीते में आसानी पैदा हो जाए मुझे। इसलिए आकर सर डायरेक्ट फायरिंग की है, डायरेक्ट शेलिंग की है और धावा बोल दिया है। ये पता नहीं है पकड़ने किसको आया था, FIR किस पे थी? मुझे पकड़ने आया था, मुझे इतला दी कि तुम्हारे पे FIR है। नहीं, किस चीज की FIR है? कौन सा ऐसा मैंने जुर्म किया था बता दो देता। पहले इमरान खान ने कहा मुझे गिरफ्तार करना है, कर लो, मैं गिरफ्तारी देता हूं। इन्होंने उसको जानबूझकर इस तरीके से गिरफ्तार किया ताकि कौम को दुख हो, कौम गुस्से में आए और कुछ करे, और उन्होंने करवा लिया वो। नौ मई ये ड्रामा बनाया हुआ है, नौ मई ये ड्रामा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर नौ मई ड्रामा नहीं है तो वो अंदरी बाबा जो छत पे खड़े होकर नारे मार रही थी, वो एक दिन हवाला क्यों नहीं गई, और गदिया शाह क्यों एक घर अंदर रही है? मुराद रास इन्होंने कहा 1700 काले लोगों के रसा हो वहां पर,
एक जलंधर नहीं गया, जबकि महमूद रशीद और हमारे बाकी लोग वो अभी तक अंदर है, उमर शिबा अभी तक अंदर है। ये एक ड्रामा इससे साबित हो रहा है, जिसने पार्टी छोड़ दी वो 9 मई में नहीं है, जो पार्टी में खड़ा है वो 9 मई में सारे बैठे हुए हैं, ये सारे 9 मई वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, ये बैठा है छोड़ गया, ये नहीं है 9 मई में, ये बैठा है, बाकी हार गए क्योंकि 9 मई में नहीं है। 9 मई में क्यों नहीं है? क्योंकि छोड़ गया। कभी जागेगा इसका जमीर? पहली एक बात तय हो चुकी है। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं कि कई लोगों ने जब पार्टी छोड़ दी, क्या हो गया, जब एक मिनट बात कर लेते, जब पार्टी छोड़ दी 9 मई नहीं है, कागजात भी ठीक है, जीतने का वादा भी कर लिया, और जिसने नहीं छोड़ी ये हैं वो गैरतमंद लोग, और ये ऊपर जो बैठे हैं हमारे नौजवान, ये हैं वो गैरतमंद लोग जो घरों में बैठे हुए हैं।